जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 8 के अंतर्गत आते लंबा पिंड में बीती रात चोरों ने एक घर में परिवार वालों की मौजूदगी में हाथ साफ कर लाखों के गहने, नकदी व अन्य सामान चुरा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती देर रात चोरों ने लंबा पिंड में एक घर में घुसकर सुनील कुमार, जो कि रात को घर में सोए हुए थे, जब वे सुबह उठे तो 6 बजे के करीब उन्होंने देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े गहने करीब 20 तोले के और 50,000 की नकदी और कीमती सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल थाना 8 की पुलिस को सूचित कर दिया गया है और पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। सवेरे जी 6 बजे मैं उठा तो मैं देखा अलमारी खुली हुई सी, तो माता अंदर सुते हुए थे, तो मैं उन्होंने ठाल लिया, तो बाद देखा कि लॉकर भी टुटा हुआ, कैश गैप से गोल्ड गैप से। ਲੋਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਲੂਮ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਦਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। जलंधर से परमजीत सिंह रंगपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ANV न्यूज़।